हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। हर दिन 500 लोगों को खाना खिलाता है ये बाबा और 36 ईयर से ये लगातार ये काम करते आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये महान पुरुष कौन है, ये कहाँ पर इनका आश्रम है, ये कहाँ पर ये खाना खिलाते हैं, सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। तमिलनाडु के रामेश्वर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर एक्चुअली सीताराम बाबा 70 साल के हो चुके हैं और वो लगातार 500 लोगों को हर रोज खाना खिलाते हैं और उनको ये काम करते हुए 36 जो वर्ष है वो बीत चुके हैं। उनके जीवन का मतलब कि आधा हिस्सा बीत चुका है लोगों को खाना खिलाते वक्त। बोलते हैं कि खाना खिलाना भूखे को काफी ज्यादा बड़ा पुण्य माना जाता है, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो जानवर हो। हम लोग पुण्य हासिल करने के लिए बहुत सारे जानवरों को खाना खिलाते हैं, बैल को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, और कभी कभार हमारा काफी ज्यादा इच्छा होती है तो हम किसी आश्रम में जाके अपने आप में हम लोग लोगों को दान करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य खाना खिलाना और पेट भरना होता है। तो ये काफी 36 ईयर से अपना ये पुण्य कमा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि वहां पर लगातार 500 लोग आते हैं और उनके अभी जो सीताराम के जो आश्रम है उसमें कम से कम उनकी जो टीम है वो 10 लोगों की टीम है, जो कि इस आश्रम को काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रखते हैं। और सीताराम खुद 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और लोगों के लिए खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक वहां पर खाना खिलाया जाता है। कोई भी तीर्थ यात्रा करने आया हो या कोई भी भूखा पेट आया हो तो कोई भी वहां से भूखे पेट नहीं जाता है, क्योंकि सीताराम उनको बिठा के खाना खिलाते हैं और ये खाना काफी ज्यादा अच्छा होता है और इसमें काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि लंगर है तो इसकी वजह से ये खाना सिर्फ ऐसे ही परोस दिया जाता है, ये खुद उसकी क्वालिटी और क्लीन करके ये खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोग के श्रद्धालुओं के आने की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वहां पर एक बॉक्स लगाया गया है से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से वहां पर पैसे डाल के या कुछ भी दान करके जाते हैं, जिसके कारण यह आश्रम चलता है। इस आश्रम का नाम है बजरंग दास आश्रम और काफी ज्यादा मान्यता में है और वहां पर लोग काफी ज्यादा शांत और काफी ज्यादा हसमुख रहते हैं। तो गाइज, आपको कैसा लगा इनके बारे में जानके, और आप भी अगर मानते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य सच में किसी भूखे को खाना खिलाना है तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, कभी अगर आपने खिलाया है तो साथ के साथ, और लाइक करते हुए जरूर जाइए वीडियो को। और अगर आपको ज्यादा अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए कि दूसरे लोगों को भी पता चले कि तमिलनाडु में इस जगह पर ये आश्रम है और वो वहां पर जाके विजिट भी करें अगर वहां पर वो लोग जा रहे हैं। आई होप गाइस आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, जाते जाते कमेंट जरूर करते जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।